नमस्कार। आज हम अपन बात कहाँ से शुरू करी हमके समझ में नहीं आ। एक तरफ जहाँ अपन देश, पूरा दुनिया, यहाँ तक कि अपन प्रधानमंत्री और साथे साथे हिंदी जगत से लेके भोजपुरी जगत के भी सब बड़ा कलाकार लोग आप सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ के चीख चीख के कह रहे वालों कि घर में रही, सुरक्षित रही, माहौल ठीक नहीं है, महामारी फैलल बा, कोरोना वायरस के महामारी। वहीं दूसरी तरफ अपन देश के कुछ लोग जे दिमागी रूप से पूरी तरह बीमार बा लोग और पैदल बा लोग जिनकी समझ में नहीं क्या कि लॉकडाउन के का मतलब होला। अरे लॉकडाउन के मतलब होला कि अपना घर में रही लोग, अपना घर से बाहर ना निकली लोग। समझ में नहीं क्या होता इतना छोट सा बात। यही खातिर कहल गई बा काहे कि हमने के वायरस के लड़ सकी, हमने के वायरस के फैले से और बचा सकी, भीड़ ना होके। लेकिन कुछ लोग तफरी करे खातिर, मजा लूटे खातिर, खाली घूमे खातिर बाहर निकले के बा उनके। हमके समझ में नहीं क्या हुआ कि पिछवाड़ा के नीचवा कोनो स्प्रिंग लागल बा का। अरे कुछ दिन मौका मिले बा अपना घर में रही लोग, अपना परिवार के संगे रही लोग, दो रोटी संगे खाई लोग, अपना परिवार के बचाई लोग, अपने आप के बचाई लोग। इतने अगर मर्दांगी, इतने अगर बहादुरी आवता सब सब ये रह जाई। हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखाई भी नहीं देता है, जो पता भी नहीं चलेगा वो कब आपको मार दिया। और आप तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने पूरे परिवार को भी साथ ले जाएंगे अस्पताल। कृपया करके इसे मजाक में ना लें, ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसे लीजिए। आप सबसे मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आप सबसे चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहा है, मत निकलिए, अपने घरों में रहें। मुझे डर इस बात का है कि कहीं इमरजेंसी घोषित ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर रूप से इस बीमारी ने जिस तरीके से महामारी का रूप लिया है, जिस तरीके से हजारों लाखों लोग रोजाना जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं इस बीमारी से, हजारों लाखों लोग मर चुके हैं इस बीमारी से, आप लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। आप सबसे विनती कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, हमारा हमारी सरकार, हमारे लोग सब ये बातें फैला रहे हैं कि बचाइए, बचिए, जान है तो जहान है। तफरी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, और आज तक ये जो लोग जो आज भी जो तफरी कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ अपने जीवन में तफरी ही की है, इन्होंने देश के लिए, देश के ये कोई काम नहीं आए। कृपया करके अपने अपने परिवार के और अपने देश के काम आए, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये आपके लिए है, ये हम सब के लिए है, ये हमारे देश के लिए, ये हमारी पूरी दुनिया के लिए है, हमारी दुनिया के लिए है, ये इंसानियत के लिए है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। प्लैनेट भोजपुरी।